तो गाइस अभी हम लोग महाबलेश्वर से नीचे उतर रहे हैं हमारे मेरे विलेज की तरफ, और 10-15 किलोमीटर होंगे। ये ऐसा ही सिंगल लेन रोड है। हाँ, अभी मेरा आँख है ना, पेन हो रहा है। ऐसा ही पूरा रास्ता ऐसा ही जाता है, पूरा चारों तरफ झाड़ियाँ, पेड़, ग्रीनरी, बट रास्ता थोड़ा ख़राब है, इंटीरियर्स के रास्ते। अभी ये तो ठीक, फिलहाल ठीक है, आगे जाके रास्ता थोड़ा और ख़राब हो जाता है। बस थोड़ा थक चुका हूँ यार, अभी घर पे जाके थोड़ा फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर से निकल पड़ेंगे भटकंती के लिए, घूमने के लिए। साले साहब और ये उनके भाई कज़न, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था। अभी खाना खाने के लिए अभी टाइम हो रहा है 3:30। सुबह से बस कांदा भजी पे थे, भाई ने सिर्फ कांदा भजी खिलाया था और कुछ नहीं खिलाया था। और अभी आज का मेन्यू देखो, चिकन का प्लेट किधर गए, परोसा जा चुका है और ये ग्रेवी जो वेज है वो एडजस्ट कर लो। और इसके और ये होटल का व्यू, मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। अपार्टमेंट का कॉल, अपने रेस्टो का व्यू, अभी भोजन करते फिर। छोटा मिनी कश्मीर भी इसको बोलते हैं। और ये मेरे विलेज से कुछ 10-20 मिनट के दूरी पे। अभी खाना वाना तो हो गया था, वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पे। अभी भाई को जैसे हम लोग ने कायाकिंग करनी है तो करनी है बस। बट क्या व्यू है गाइस, ये देखो, ये बात कायाकिंग ला लो, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। शाउट आउट टू फ्लाइंग बीस्ट। अपने उतने औकात नहीं है भाई, ये अपन उसको शाउट आउट दे। देखो लड़के की इच्छा पूरी कर रहा हूँ मैं। छोकरे ये कैमरा घेऊन जाओ ना। हाँ घेऊन जा ना, मैं नहीं करने वाला हूँ पानी में। हाँ रेणुकांत अकेला ही करेगा। ए हे के चश्मा काढून जा। हे के तो ये मैं कैमरा अभी रेणुकांत के हवाले करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करने वाला। रीज़न भी बताता हूँ आपको, ज़रा होल्ड करिए, इसको जाके आने दीजिए, फिर आपको मेन रीज़न बताता हूँ क्या है। एक मिनट। तो रिस्क ना लेते हुए हमारे रेणुकांत जी जा रहे कायाकिंग के लिए। रिवर्स गियर लगाया क्या? पुड़ा मारा। थाम समोर बघते। धडकशील, चल लाव दे गाडी। अरे
लोड सिल मिल लिया पाया खाली काजू बक्षी ला सो रेणुका सर इज अ गुड यू नो हाउ टू एंजॉय अलोन यू कैन एंजॉय इट प्रोबब्ली इज अ गुड एक्सपीरियंस बाय द वे यस यू नीड टू बी पेशेंट बिकॉज़ द थिंग इज इफ डायरेक्टली पेन कम्स ऑन योर हिप्स या फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन गेट द राउंड्स 2-3 राउंड्स Probably for 15 minutes. I don't think you can go there and come back to the place. Yeah, you can probably. Yeah? Yeah, yeah. ये नीनाथ का जो व्लॉग है मैंने हाईजैक कर लिया है नीनाथ को देखो नीनाथ कितना स्ट्रगल कर रहा है कितना स्ट्रगल कर रहा है वो देखो पहले गिर गया तो तू याद रख समझे बोला गणपति अप्पा और या पुढच्या वर्षी नका येऊ याच वर्षी या वल्ला रे नाखवा हा जा भाई So guys, this is the very next day. Time to say goodbye to Mahabaleshwar. So अभी मैं मेरे गांव से निकल चुका हूँ और आज का कोई प्लान नहीं है मतलब आज तो सीधा घर पे ही जाना है बस दैट्स ऑल बाकी किधर तो हम लोग घूमने आए नहीं थे हम लोग तो बस चिल मारने आए थे एक दो दिन की छुट्टी थी और हाँ कल हम लोग तापोला से आए कायाकिंग करके बहुत ज़्यादा थके हुए थे एक्चुअली मैं करने वाला नहीं था बट फिर रेणुकांत और वो रोहन कर रहा था सो उसको देख के फिर मैंने भी कर ली अभी कल में एक चीज़ बताना भूल गया एक्चुअली तापोड़ा में अगर आप आ रहे हो स्पेशली कायाकिंग के लिए तो तापोड़ा में कायाकिंग नहीं होती यस गाइस आपने सही सुना तापोड़ा में कायाकिंग नहीं होती मैंने रेणुकांत को भी
सुबह वही कहा था कल सुबह कि तापोड़ा में नहीं होती एक्चुअली, वहाँ के जो बोटिंग क्लब है वहाँ में बोटिंग एक्टिविटीज़ में कायाकिंग इंक्लूड नहीं है, बट ये जो कायाकिंग हमने कल की वो वहाँ पे जो एक होटल है तो होटल का होटल में वो सब इंक्लूड है। सो ये होटल की एक्टिविटीज़ थी। उस तापोड़ा में अगर आप स्पेशली कायाकिंग के लिए आते हो तो फिर आओगे तो उधर आपको कायाकिंग नहीं मिलेगी। तो हम लोग ने उसे देखा तो उसको रिक्वेस्ट करके हम लोग ने वो कायाकिंग की। सो थैंक्स टू दैट गाय कि उसने हम लोग को कायाकिंग करने के दी। पर हेड उसने 100 रुपीज़ लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। और 100 रुपीज़ में कायाकिंग तो 15 मिनट्स के लिए तो नॉट बैड 100 रुपीज़, और अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आप कैसा होता है ना, जब आप वो चप्पू चला रहे होते हो और एक सर्टन लेवल के, मतलब वो रिवर के सर्टन लेवल मिड में आते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ की जो नैया है वो आपके ही हाथ में। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो रियल लाइफ में भी यही है, आपको आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, आपके पेरेंट्स और इनको छोड़ के आपको आपका भविष्य आपका फ्यूचर आपको ये करना है। तो यही है गाइस, कुछ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो एक बात रियलाइज हुई। बाकी रेणुकांत जैसे दोस्त होना तो फिर आई एम वेरी मच लक्की, मुझे अच्छे दोस्त मिले। रेणुकांत तो जैम ऑफ अ पर्सन है भाई, भाई साहब। और मेरे काफ़ी सारे डिसीजन उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कुछ लेना हो कुछ करना हो काफ़ी सारे डिसीजन मैं उसको पूछ के लेता हूँ। सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड एक्चुअली, जेम ऑफ अ मैन। ओके तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं। कल बहुत और मज़ा आया, रात को हम लोग मस्त गाने लगा के कल चिकन बनाया था, वो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल इतना थक गए थे ना हम लोग कि हद से ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि सुबह हम लोग राइड किए, उसके बाद दिन भर घूमते रहे, उसके बाद वो कायाकिंग के बाद तो मतलब कायाकिंग के बाद तो पूरी तरह से ड्रेन हो गए थे हम लोग। सो अभी निकल चुके हैं घर के लिए। सो गाइज ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगा। ओके तो ये वीडियो यही तक रखते हैं। और हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपको, मेरा चैनल पे कुछ बग आ गया था, सो उसके वजह से जो है आपको वो बेल आइकन दिख नहीं रहा था। मैंने सारे सेटिंग्स और ये सब चेक कर लिए थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, ये वीडियो में भी बोलूँगा कि अगर वो बेल आइकन आपको नहीं है, आपका डिजेबल है, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना। फिर से रिक्वेस्ट है आपको, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो ये वीडियो ना गाइज यही तलक रखते हैं अभी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कहीं रुकने वाले नहीं है। अभी सीधा हम लोग जाएंगे, सुबह ऊपर नाश्ता करेंगे और सीधा निकल जाएंगे। सो ज़्यादा कुछ शूट करने जैसा नहीं है। और हम लोग अभी लास्ट टाइम आते समय हम लोग ओल्ड गोवा हाईवे से आए थे, अभी जाते समय हम लोग पूना होके जाने वाले हैं। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हास्ता ला विस्ता अमिगोस।